गाइस वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज हम संडे है, जैसे कल थोड़ा दीदी लोगों के साथ घूमने और बैठने का टाइम मिला, उसके बाद अभी हम बना रहे हैं, आज मैक्रोनी बनाई जा रही है, पास्ता अर्जुन के द्वारा। फिर शाम को हम घूमने जाएंगे WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क सेंटर की ओर। और इधर अर्जुन ने बना दिया पास्ता, खुशबू तो अच्छी आ रही और अब शाम को चीजू बनाएंगे चिकन, ये रहा उसकी तैयारी। चीजू मैरिनेट करने को रख रहे हैं चिकन, आज चीजू अपने हाथ से चिकन बना के खिलाएंगे हमको। ये रहा चिकन मैरिनेट होने के लिए मसाला, ये बाकी बाद में डालेंगे, ये बाद में जब पकाते वक्त प्याज को तलने के लिए। ये रहा चिकन पूरा मैरिनेट होने को, अब कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया जाएगा। और जीजू भी व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो भी बनाएंगे। तो अब इधर तैयारी हो रही है चिकन बनाने की और चाय भी बन रही है जीजू की, फिर उसके बाद हम निकलेंगे WTP को। चिकन वगैरह अभी से बना के जा रहे हैं हम, क्योंकि WTP से आते हुए हमको अगर लेट हो गई तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी बनाने में। तो अभी से बना के प्रिपेयर करके चले जाते हैं, आराम से घूम फिर के आएंगे, फिर टेंशन फ्री होगी। क्यों, ये जीजू के चिकन प्रिपरेशन बनने की शुरू हो चुकी है। KS चिकन ऑलमोस्ट पकने वाला है, रेडी हो जाता है और हम निकल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं WTP फाइनली। आज कल तो नहीं जा पाए थे, कल जयपुर सिटी घूमे थे, आज WTP का पूरा टूर करेंगे। तो चल दिए हैं WTP की ओर, तब तक थोड़ा उजाला भी रहेगा, फिर वैसे तो रात को काफ़ी अच्छा दिखता है वो, लाइट से लाइट अंदर इंटीरियर पत्रिका गेट पे अच्छा दिखता है। देखो दोस्तों, मुझे राजस्थान में कुछ थोड़ा, यहाँ जयपुर में अब ये पता नहीं यहीं है और भी जगह है, सब जगह है। गाड़ी का नंबर देखिए RNR 7717 और इस तरह से बहुत से यूनिक से नंबर, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं UK02 UK05, लेकिन ये कुछ यूनिक नंबर्स है जो मुझे दिखे हैं इधर। तो दोस्तों अब हम पहुंचने ही वाले हैं WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो कि एक काफी बड़ा मॉल है। ये देखिए सामने, और इधर भी स्ट्रीट लाइट्स चल चुकी हैं, थोड़ा लाइट कम करूंगा तो आपको ये देखिए तिरंगे का पैटर्न दिखेगा, काफी अच्छा। ये रहा, और ये रहा WTP। अब हम आ चुके हैं और हमने गाड़ी पार्क करनी है। तो पार्किंग का तो ऐसा इश्यू हुआ कि पार्किंग का ही सब फुल थी, और मैं भी बताऊंगा मैं आपको वहाँ पार्किंग कितनी है, उसके बाद भी कितनी फुल, और थोड़ा थोड़ा आउटस्कर्ट जैसा हो गया है, मान लीजिए दूर 1 किलोमीटर दूर आए हैं गाड़ी लगाने आते आते, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं है गाड़ी लगाने की। पहुँच चुके हैं हम WTP के, और जो ये पूरी बिल्डिंग है इसके पूरे नीचे 2 फ्लोर्स की, पूरी जितनी बड़ी है बिल्डिंग है उतनी बड़ी पार्किंग है, और वो पूरी फुल थी, उसके बाद बाहर भी पूरी फुल है, देख सकते हैं इतनी भीड़ होती है संडे को। यहाँ फाउंटेन्स वगैरह बनाए हैं और अब ऊपर जाएंगे हम, काफ़ी बड़ा मॉल है ये, ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये तो सिर्फ गाड़ी से छोड़ने के लिए ही है। लेट्स गो इनसाइड द बिल्डिंग। तो यहाँ भी एक चीज़ हो गई है, यहाँ भी कैमरा यूज़ नहीं करने दे रहे, तो कैमरा यूज़ नहीं करना है अंदर मोबाइल का कर सकते हैं, डीएसएलआर यूज़ नहीं करना। ये देखिए ट्रेन, फूड कोर्ट, ये यहाँ का फूड कोर्ट, काफी क्राउड है। एंट्रिंग टू दुबई बाजार, ये है दुबई बाजार, और यहाँ हाँ जो आइटम्स है दुबई से तो नहीं आ रहा, खाली नाम है, पूरी स्टोर्स है ये दुबई बाजार नाम से, नॉर्मल क्लोथिंग वगैरह और ये सब शॉप, मतलब ये पूरा शॉपिंग हब है, और बहुत सी चीज़ें आप गेम्स वगैरह वो सब भी खेल सकते हैं। और ये दुबई बाजार से हम एग्जिट कर चुके हैं, और इधर बहुत से स्पॉट पे आपको मसाजर मिल जाएंगे। यहाँ आए थे वो पब्लिक के लिए टॉप फ्लोर जो अलाउड है, और हम नीचे उतरते हैं, देखते हैं कुछ कुछ फ्लोर्स। और जीजू का भी ब्लॉग चल रहा है, जीजू बना रहे हैं अपने लिए कुछ ना कुछ
और ये है यहाँ का आउटर। आ चुके हैं फूड कोर्ट के नीचे, सेकंड ब्लॉक है नॉर्थ ब्लॉक, तो लड़कियों के लिए बिकता लगता है सब। ये देखिए आर्टिफैक्ट्स, ये है सेंटर शैंडलियर मॉल का। ये देखिए ये सेक्शन ज्यादा खाली खाली है, उधर सेक्शन में बहुत भीड़ है। ये देखिए नीचे काफी बड़ा मॉल है। नाउ वी आर बैक हेयर, ये है फूड कोर्ट सेक्शन, देख सकते हैं आप। हम तो मॉल से वापस आ चुके हैं क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड है, और ये नॉर्मल मॉल्स में जैसे थोड़ा घूमने को रहता है वैसा भी है, लेकिन इतने ज़्यादा शॉपर्स का शॉपकीपर्स और जो शॉप से अंदर इतनी क्राउडेड हैं, प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो हम लोग आगे बाहर क्योंकि जितना थोड़ा बहुत देखना था देख लिया, बाकी यहाँ फोटो वोटोग्राफी के लिए कैमरे से मना किया था, तो हमने ज़्यादा मन नहीं किया अंदर घूमने का, अगर फोटोग्राफ क्लिक करनी होती तो करते। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं थोड़ा पत्रिका गेट देखते हुए, अब फिर हम चले जाएंगे घर को। दीदी भी घर में अकेले ही है तो, और खाना वाना कुछ खाना पीना करेंगे। और अब ये देखिए सामने पत्रिका गेट, जो कि पूरा अट्रैक्शन पर्पज से बनाया गया है, और रेड लाइट हो गई है तो हमें रुकने का भी टाइम मिल गया है। ये देखिए ये रहा पत्रिका गेट, काफी ब्यूटीफुल, भीड़ तो काफी हो रही है इधर भी। अब आए हैं हम पत्रिका गेट पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पत्रिका गेट। ये है पत्रिका गेट जो कि एक अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट बनाया गया है यहाँ। तो ये है पत्रिका गेट का अंदर, और इधर इसका मेन पर्पज़ वैसे तो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह ही है, और यहाँ हो भी रही है एक प्री वेडिंग शूट, आप देख सकते हैं। ये देखिए खड़ा है उधर, और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत गेट है। और जो सामने रोड जा रही है ये है जवाहरलाल नेहरू जे एल एन मार्ग, जो पूरा अल्बर्ट हॉल तक जाती है, और इसके सामने दिखता है ये देखिए कितना बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत पत्रिका गेट। थोड़ा यहाँ फोटो में दिक्कत आ रही है कैमरे से खींचने में, क्योंकि लाइटिंग नीचे से ऊपर को की गई है ये, बट काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो पत्रिका गेट पर कुछ फोटोज वगैरह तो खींची हमने, कैमरे से उतनी अच्छी आ नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ लाइटिंग बड़ी ऑड है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं घर की ओर को, क्योंकि आज संडे है और संडे की वजह से इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ, बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो अब वापस चलते हैं पत्रिका गेट से घर को, और अगर दिन में के टाइम पे किसी दिन आऊँगा तो दिखाऊँगा, वैसे तो रात को कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मॉर्निंग टाइम पे, और क्राउड काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ। तो चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर को। हाँ इतना टाइम कैसे लग गया बोल रही दीदी, हम थोड़ी देर क्या गए जाम ही जाम है पूरे शहर में, क्योंकि आज संडे है और बहुत ज़्यादा जाम होता है। वापस पहुँच चुके हैं अब हम घर, अब मज़े से खाना वाना खाते हैं आराम से। तो अब शुरू करते हैं हम अपना डिनर, और ये देखिए चिकन कितना बढ़िया एकदम, क्या कलर आया है, मस्त लग रहा है एकदम, देखने में टेस्टी लग रहा है, तो खाने में तो बहुत ज़्यादा होगा। और ये सब जीजू ने बनाया है, और इसके साथ हम खाएंगे राइस एंड रोटी और साथ में मूवी। तो अब खाते हैं खाना, ये चिकन परोस दिया गया है अर्जुन। खाना वाना खा लिया और बिग बॉस भी देख लिया, और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पूरा ब्लॉग देखने के लिए और बने रहने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।